मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को धार जिला कांग्रेस ने किसान जनाक्रोश पद यात्रा निकाली। पद यात्रा ग्राम घटगारा से शुरू हुई, बदनावर बस स्टैंड पर जा पहुंची। पद यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में पीला मोजेक वायरस से खराब फसलों का किसानों का मुआवजा मिलना ये थी, और साथ ही साथ लहसुन प्याज का उत्पादन भरपूर होने के बावजूद किसानों को सही दाम मिलने के बारे में भी इस यात्रा के दौरान कहा गया। जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने इस दौरान बताया कि भाजपा की गलत रीति नीति के कारण किसान बेहद परेशान है। किसान ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, आज किसान परेशान हो रहा है। गौतम ने मंत्री राजवर्धन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि मैंने नागदा में खेतों का दौरा किया है जहां फंगस लग गई है, फल नाम की कोई चीज नहीं बची है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सर्वे कराने को भी तैयार नहीं है। 2021 का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मंत्री को चेतावनी देता हूँ, जो कारम डैम का भ्रष्टाचार दबाने में लगे हुए हैं, जरा किसानों की सुध ले ले। उन्होंने भाजपा को इस दौरान आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। पदयात्रा को मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव शरद सिंह सोदिया, जिला पंचायत सदस्य अशोक डावर, निर्देश शन सोनगरा, जिला कांग्रेस युवा उपाध्यक्ष चेतन सिंह राठौर, अतुल बाफना, मंडलम अध्यक्ष कैलाश गुप्ता आदि ने संबोधित किया। बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन बदनावर SDM को सौंपा गया। पदयात्रा में किसान कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI के कार्यकर्ता और इसी के साथ क्षेत्र के किसान शामिल हुए। पिछले 4 दिनों में करीब 6-7 गांव है, वहाँ पर हमने देखा कि येलो मोजक आ गई है, उसमें लगाया जा रहा है। सोयाबीन की फसल पूर्ण रुपये बर्बाद हो गई है, पर धनी नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें, और सरकार सर्वे नहीं करा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार सर्वे कराए, हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। एक दिन पहले कहीं आए थे कोई उनके कृषि विभाग के लोग, तो किसानों को उल्टा ज्ञान बांट रहे हैं। बोले जो हुआ है ना, ये फंगस लगा है, ये आपने ज़्यादा मात्रा में दवाई डाल दी, इससे लग गया है। वो बीज आपने आप घर का डाल दिया, इससे लग गया है। मतलब कुल मिलाकर के हम किसानों को वो भड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको मुआवजा देना। आज हमने 10 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया है, 10 दिन में मुआवजा अगर हमको नहीं दिया गया तो हमारी स्थिति का धन्यवाद।